हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत कौशिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हरिमाइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपके सामने मैथ के एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के ऊपर। अब ये मल्टीप्लाई किस तरीके की मल्टीप्लाई होगी, ये तीन डिजिट के नंबर जिनके बीच में जीरो हो, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 104 की 106 से मल्टीप्लाई करनी है, 104 की 106 से मल्टीप्लाई करनी है, या मैं आपसे कहूं कि 504 की 606 से मल्टीप्लाई करनी है, कोई भी नंबर जो आपकी मर्जी, जो नंबर आप लेना चाहे, कि 809 की 909 से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखे, अगर आप इन क्वेश्चनों को सिंपल मेथड से करते हो या एक कैलकुलेशन आप सिंपल मेथड से करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस मेथड से इन क्वेश्चनों को करोगे तो यकीन मानिए बिना पेन चलाए, बिना पेन का यूज किया आप इन क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंड में कर लेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि 104 की 106 से मल्टीप्लाई करनी है, तो करते क्या कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 6 4 24, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस 6 की इस एक में और इसे एक की 4 में मल्टीप्लाई, तो 6 एकम 6 और 4 एकम 4, 6 4 10, यानी कि 6 गुना 1 और 4 गुना 1 कितना आया, ये 6 और ये 4, इन दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया, 10 आ गया। ये जो 10 आया ये लिख लिया हमने बीच में और इसकी आपस में मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, तो यही क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 504 की 506 से मल्टीप्लाई करनी है, तब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कि 6 4 जा 24, वो एज इट इज लिख लिया हमने, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, 3024 कितना हो गया, 54 हो गया, 30 5 गुना 6 और 6 गुना 4 कितना हो गया, ये 30 हो गया और ये हो गया 24, दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 54 लिख लिया हमने बीच में। अब क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना आपस में मल्टीप्लाई करनी है। अब जैसे कि ये वाला नंबर है 809 या 909 की मल्टीप्लाई, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, इससे पहले एक एग्जांपल और देख ले रहे हैं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि 705, कोई भी नंबर जो आपकी मर्जी हो, जो नंबर आप लेना चाहें, 105 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर करेंगे क्या, फिर वही चीज़ है कि 5 5 जा 25 क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 35 और 5 कितना हो गया, 40 और 7 1 जा 7, तो ये क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वाली कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, सिंपल करना क्या है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, अब क्या करेंगे 8 9 जा 72 और 9 9 जा 81, दोनों को जोड़ेंगे कितना, 8 9 जा 81 और ये 72 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 8 7 15 कितना आया, 153। याद रखना हमें बीच में सिर्फ दो ही नंबर लेने, दो ही डिजिट का नंबर लेने, तो यानी कि मैं 53 लूँगा, कितना लूँगा मैं, 53, लेकिन ये एक तो हमारे पास बच गया, तो ये एक कहाँ जाएगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा, 8 9 जा 72, तो 72 में जो एक है ये कैरी के तौर पर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 73। एक बार दोबारा बता रहा हूँ इस वाले को, मैंने कहा कि 809 की 909 से मल्टीप्लाई करनी है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली कितना आ गया, 81 आ गया, फिर करी क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72 9 9 जा 81, दोनों को जोड़ा कितना आया, 153। याद रखना बीच में सिर्फ दो ही डिजिट का नंबर लेंगे, यानी कि मैं 53 लूँगा, कितना लूँगा मैं, 53, कितना बचा मेरे पास, एक, ये जो एक है ये कैदी का काम करेगा। अब क्या करेंगे, 8 9 जा 72, 72 में एक जोड़ दिया कितना आ गया, 73। तो ये जो ट्रिक थी ये किन्हीं भी तीन डिजिट नंबर के जिनके बीच में जीरो उसको सोल्व करने की ट्रिक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।